अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम यहाँ मौजूद हैं शाहताज फार्म हाउस पे और यहाँ ड्रामा सीरियल फ्रॉड की रिकॉर्डिंग हो रही है और फ्रॉड का टाइटल रोल हमारे मुल्क के सुपरस्टार, बल्कि मैं तो उनको सुपरस्टार्स का सुपरस्टार कहता हूँ, हमेशा ही जिस रोल में आते हैं छा जाते हैं। वैसे मुझे उडारी ड्रामे में जो उनका किरदार है बहुत पसंद है और उन्होंने हमेशा अपने काम से इंसाफ किया। बहुत जल्द उनकी एक फ़िल्म भी आ रही है, उस फिल्म का नाम है रैबरा, देखना ना भूलिएगा। आयशा उमर उनके साथ हैं और मैं अभी उनको दावत दूंगा, फिर बाकी जो बातें हैं। एहसन खान तशरीफ लाते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके। और एहसन खान अशफाक साहब के दो प्ले जो इस वक्त सुपर हिट है उनके नाम आपको याद है? जी जी, मेरे हमने सुनिए, आपने बताया था। किस चैनल पे था? किस चैनल पे? जियो पे आता था, जिक्र किया था, देखा भी करें। और दूसरा, और दूसरा फ्रॉड एयर वाई पे, जिसके सेट पे है इस वक्त, जिसके सेट पे मैंने बताया तो है। फ्रॉड के दो एपिसोड ऑन एयर और रैबरा का भी जिक्र किया अमीन इकबाल साहब, उसको जी जी बिल्कुल। हां जी, रैबरा भी इंशाल्लाह। साहब ये बताइए, माशाल्लाह चीजें। जी जी जी, हसन साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह से ऊपर तले आपकी चीज़ें कामयाबी से चलती आ रही हैं, तो क्या कहेंगे दो प्ले सुपर हिट हैं, माशाल्लाह पहले से भी चीज़ें आपकी चल रही हैं, और रहबरा आने वाली उसकी क्या ख़ास बात है? एक तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग जो है, आप लोग भाइयों की वजह से, आप जैसे बहुत से लोगों की वजह से ये प्यार मोहब्बत हमें मिलता है, इस तरफ चलते हैं थोड़ा, ये पानी है। अच्छा जी, दोनों प्लेज माशाल्लाह मेरे हमनशीन जो हमने सवात में शूट किया, बहुत पसंद किया जा रहा है, उसके क्लिप्स बहुत वायरल हो रहे हैं, लोग मुझे वो हमारी लैंग्वेज और जो डायलॉग्स हमने बोले हैं उसके लिए बहुत वो खुश होते हैं लोग। अच्छा, पख्तून, हाँ जी, वो बड़ा एक हमारा ज़बरदस्त कैरेक्टर उसमें। फिर फ्रॉड का जो कि एक सोशल इशू है जिसको मैंने डिस्कस किया है, चूँकि इंटरनेट के थ्रू जो शादियाँ होती हैं या और तरह से जो भी शादियाँ चलती हैं, आप जानते हैं कि बहुत फ्रॉड होते हैं और इंटरनेट के थ्रू वैसे भी शादियों में ये एक बड़ा इशू है जो जिसको इसने फ्रॉड ड्रामे ने टच किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इशू। दोनों प्लेस मेरे बड़े वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी फेवरेट, और लोगों ने भी इनको एक्सेप्ट किया, दोनों की रेटिंग्स अच्छी हैं, लोग पसंद करें। फ्रॉड को भी बहुत ज़्यादा फीडबैक, मैं जहाँ आजकल कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे बताते हैं कि जी आप कम पे देख रहे हैं, बड़ा अच्छा जा रहा है, और इंतज़ार भी करते हैं मेरे सीन्स का। ये तो बात, ये तो आपने रहबरा इंतज़ार की बात की, अब लोग इंतज़ार करें रहबरा का इंशाल्लाह। इसकी तीन चार चीज़ें खास हैं, एक तो अमीन इकबाल साहब जो बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी ये पहली मूवी है, फिर आपकी और आयशा उमर की भी पहली मूवी है। ये बताइए, छोटी स्क्रीन पे तो कामयाबियाँ आपको माशाल्लाह मिल रही हैं, तो रहबरा के लिए लोगों को क्या कहेंगे, उसके अंदर क्या ऐसी खास चीज़ें हैं? अच्छा, आजकल तो डायलॉग तो मशहूर हुए हुए हैं। अच्छा इशफाक, एक बात मैं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग मेरे करियर में मेरे साथी हैं तकरीबन इतने सालों से, अब मैं कोई भी काम जब चूज़ करता हूँ तो मैं, मेरी कोशिश होती है कि बेहतर काम करूँ, बेहतर डायरेक्टर्स के साथ बेहतर स्क्रिप्ट चूज़ करूँ जो लोगों को डिसअपॉइंट ना करे, क्योंकि एक एक्टर जब अच्छी फिल्म या अच्छा टेलीविज़न या कुछ भी अच्छा करते हैं तो लोग उसके साथ रेपुटेशन एक जोड़ लेते हैं कि यार ये जिस चीज़ में आ रहा होगा ये बेहतर होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद करते हैं। तो रैबरा अमीन भाई ने बहुत मेहनत से बनाई है, उनकी फ़र्स्ट फिल्म है, लेकिन टेलीविज़न में आप जानते हैं वो बड़े तजर्बेकार और ज़बरदस्त हमारे राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब कुछ वो कर चुके हैं। अब इनका ड्रामा एक इश्क़ ला बड़ा सुपरहिट जा रहा है और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है फिल्म बहुत मेहनत से, इंतहाई खूबसूरत टॉपिक, इंतहाई खूबसूरत फ्रेमिंग, आपको फिल्म के जैसे ट्रेलर से और गानों से आपको लगता है कि आप एक फीचर फिल्म देख रहे हैं, तो वो एक मुझे लगता है बहुत खूबसूरत एडिशन है एज अ फिल्म डायरेक्टर, और एक खूबसूरत पाकिस्तान की फिल्म है जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बड़े अच्छे वे में रिप्रेजेंट करेगी, और बल्कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये फिल्म यूके, यूरोप में और बहुत सी जगहों पे भी रिलीज़ ग्रेजुअली, जी हाँ, तो ये सब जगह पे रिलीज़ ग्रेजुअली करेंगे, और यहाँ पे अब आप गाना अगर इसका देख लें या ट्रेलर आप चला दें अपने इस वीडियो में, तो फिर लोग खुद ही कमेंट्स में जज करेंगे। क्या कहती है वो लड़की बार बार डायलॉग जो आजकल वायरल हो रही है? शायद लगा है कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू इस ड्रामे में सबा कमर को ट्रैप किया है, तो ये क्या है करेक्टर, कुछ बताएं, और साथ साथ ये बताएं कि दो मुख्तलिफ डायरेक्टर एक ही ड्रामे को शूट कर रहे हैं दो मुख्तलिफ लोकेशंस पे, तो क्या वो आज इत्तेफाक है? वैसे तो साकिब जो हैं, साकिब खान इज़ द डायरेक्टर ऑफ द प्ले फ्रॉड, हमारा क्योंकि डेट्स क्लैश कर गई, तो आज हम सीन्स जो हैं दो यूनिट्स बने हुए हैं आज, तो हम कुछ सीन्स इस जगह पे कर रहे हैं, कुछ सीन्स दूसरी जगह पे कर रहे हैं,
तो साकिब जो हैं वो दोनों उसमें स्टक हैं, लुकमान एक कैमरा मैन, एक दूसरे बड़े अच्छे हमारे कैमरा पर्सन है, काशिफ यहाँ पे मौजूद हैं, तो सब मिलके कभी होता है कि डेट स्लैश करती हैं और ऑन एयर जाना होता है सीन, क्योंकि ये साथ साथ प्ले चल रहा है तो हमें जल्दी में सीन करना होता है कि अब ये हमें भेजना है, तो इसलिए इसके दो यूनिट्स बनाए गए। कैरेक्टर का जहाँ तक ताल्लुक है, आप लोग देख रहे हैं कैरेक्टर्स में देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये लड़कियों को डिच करता है, उनसे रिश्ता करके माल हथियाने के चक्कर में होता है, बग़ैर ये सोचे समझे कि किस तरह लड़की एक बेटी जब परवान चढ़ती है, माँ बाप की क्या ख्वाहिशात होती हैं अपनी औलाद के लिए और बेटियों के लिए, हम सब बड़े सेंसिटिव हैं, लेकिन जो आजकल माशरे में ये एक ऐसा पहलू भी है कि धोखा दिया जाता है, तो ये मिलके फैमिली को धोखा देते हैं, इसलिए ये एक फ्रॉड जो है आप देखेंगे आगे देखते हैं। एक बात मुझे याद आ गई माजी की, कि सभा के साथ आपकी केमिस्ट्री हमेशा अच्छी रही है जी, माशा माजी के ड्रामों का। हाँ बिल्कुल, सारे सुपर हिट माशा, काफी अरसे के बाद आप दोबारा आ रहे हैं जी। हाँ, सभा के साथ मैंने जो लास्ट एक जी टीवी की फिल्म की थी हमने जी जिंदगी के, मोमल रानो जो सिराज जिसके डायरेक्टर थे वो, जी हाँ मोमल रानो सिंध की बड़ी एक मशहूर दास्तान है उसके ऊपर। अच्छा जी, उससे पहले हमने ड्रामे सबान, मैंने और सबा ने बहुत से प्लेस किए हैं जिसमें आप देखिए कि ना कहो तुम मेरे नहीं, दास्तान और इस तरह के और ड्रामे, पीटीवी के दो प्लेज हमने, हम तकरीबन 5 प्लेज और कुछ टेलीफिल्म कर चुके हैं। पीटीवी का एक प्ले था तेरा प्यार नहीं भूले, आई थिंक उसका नाम था, जिसमें हम दोनों को पीटीवी का अवार्ड मिला था सेम ईयर। फिर बिनते आदम में, बहुत शुरू की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें भी हम थे, और उसके अलावा कुछ और भी प्लेस जिसमें हम टेलीफिल्म आप जानते हैं, तो काम बड़ा अच्छा किया। और सबा इज़ अ वंडरफुल। अच्छा, ये भी इल्म में बात आई है कि रिश्ता कराने वाली जो है कोई सीनियर हमारी आर्टिस्ट रज़िया मलिक, वो कोई आपके रिश्ते करवा रही हैं? हाँ, वो बीच में उनका कैरेक्टर है एनी जैदी, मेरी माँ का किरदार अदा करती हैं। सैफी हसन मेरे वालिद बनते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि महमूद असलम साहब का काम और असमा आपा हैं इसमें, मिकाल है, फिर निदा मुमताज़ साहिबा हैं, तो तमाम लोगों का बड़ा बेहतरीन काम। निदा साहिबा आपके ट्रैक में है? जी हाँ, निदा साहिबा, आप अगर एपिसोड ये वाली देखेंगे तो निदा इज़ प्लेइंग सबाज़ मदर, महमूद असलम इज़ द फादर एंड निदा जो है वो सबा की वालदा बनी हुई है। और फिर हमारी एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनकी बेटी है सबा की जो बहन बनी हुई है छोटी। सो ओवरऑल कास्ट बड़ी ज़बरदस्त है और काम भी अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, एहसन खान साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इनसे अव्वल तो वक्त लेना इंतहाई नामुमकिन हाथ में से है, और अगर वक्त मिल जाए और इतना ज़्यादा मिल जाए तो बेतकल्लुफी से आप, तमाम आप ये जानते हैं, आप लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि तो ये तो एक कमाल हो व्हेनेवर आई एम इन लाहौर, इन दोनों से आप दोनों जानते हैं कि हमारी बातचीत भी रेगुलर होती है और मुलाकात भी होती है, ये प्यार मोहब्बत है। इजाजत तो लेते हैं, लेकिन जाते जाते हमारे जो फैंस हैं मैं उनको जरूर कहूंगा, मैं बोल रहा हूं अभी आप चुप करें, 24 जून को हमारी फिल्म रहबरा लग रही है, वो ज़रूर देखिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा फिल्म का कि कैसी फिल्म है, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। उसके अलावा मेरे हम नशीन जो जियो पर ड्रामा चल रहा है उसका फीडबैक दीजिए, फ्रॉड एआर पे चल रहा है उसका फीडबैक दीजिए, और मुझे बताते रहिए कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। थैंक यू। वाह 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 जी, अशफाक साहब आज